माध्यमिक स्कूलों में सहायक और अनुसेवकों पर करीब आधे पदों पर नियुक्ति अनुकंपा से नियुक्ति होगी। तो मित्रों, ऑफिशियल वेबसाइट प्रभात खबर के ऑफिशियल वेबसाइट पर यह रिपोर्ट दिया गया है 13 मई 2020 11:44 AM पर दिया गया है। तो हेलो मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित टेक्निकल गुरु में। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज बताने जा रहा हूं कि माध्यमिक स्कूलों में सहायक और अनुसेवकों के करीब आधे पदों पर अनुकंपा से होगी नियुक्ति। तो मित्रों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बिना स्किप किए सारी जानकारी लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोजाना इसी तरह के अनुकंपा रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो मित्रों, वीडियो को आखिर तक मत देखिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जो सा भी वर्ड आपको कंफ्यूजन बुझाए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा उस बात को। तो मित्रों, चलिए बात करते हैं। अब पटना से ये रिपोर्ट दिया गया है। तो शिक्षा विभाग में करीब 56,000 माध्यमिक स्कूलों में कार्यालय सहायक और अनुसेवक के पदों को सूचित करने जा रही है। ये वे पद होंगे जो अभी खाली हैं। विभाग के रणनीति हैं कि प्रत्येक स्कूल में दोनों पदों के लिए न्यूनतम एक एक पद पर नियुक्ति की जाए। इस तरह 11,000 से अधिक पद सृजित किए जाएंगे, जिसके इसके लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट शिक्षा विभाग के मंजूर कर लिया गया है। हालांकि कैबिनेट से हरी झंडी से पहले ये प्रस्ताव वित्त विभाग के मंजूरी के लिए भेजा गया है और अधिकारी सूत्रों के मुताबिक और ड्राफ्ट के अनुकंपा नियुक्तियां करने का प्रावधान किया गया। इसके नियम बनाया जा रहा है कि सृजित किए जाने वाले पदों में अधिकतम 50% पर पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए रखे जाएंगे, जिसके ये ड्राफ्ट में हरी झंडी मिलती है। प्रदेश के लंबित 2,000 से अधिक अनुकंपा नियुक्तियों का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि नए सिरे से पद सृजित करने के लिए पिछले पदों का मरणशील घोषित किया जाएगा और अनुकंपा नियुक्ति में अड़चन को दूर करने जा रही है राज्य सरकार। तो राज्य सरकार ने ठान लिया है कि अनुकंपा वाले को नियुक्ति देनी है तो देनी है। शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने प्रभात खबर को बताया कि राज्य सरकार अनुकंपा नियुक्ति में अड़चन को दूर करने जा रही है। इस राशि में इस दिशा के निर्णय लिया जा चुका है कि लॉकडाउन के बाद इस निर्णय लिया जाएगा कि मालूम हो कि प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े करीब 2,000 अधिक लंबित मामले हैं। दरअसल विभाग पर अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में 250 से अधिक याचिकाएं की दाखिला है और अनुकंपा नियुक्ति में कार्यालय पद के लिए न्यूनतम योग्यता इंटर उच्च शिक्षण कम शैक्षणिक योग्यता रखने वाले आवेदकों को अनुसेवक के पद पर रखा जाएगा और लखनिया के प्रदेश में 2017 तक अब तक अनुकंपा नियुक्तियों पर रोक लगाई गई थी और दरअसल RTI एक्ट प्रावधान किया गया है। और हालांकि शिक्षक की मृत्यु पर उसी शर्त पर उसके परिजनों को नियुक्ति दिया जाएगा जब वह TIT या STIT उत्तीर्ण हो और आधिकारिक मामलों में ये योग्यता आवेदकों में नहीं मिली। तो मित्रों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको रोजाना राशि इसी तरह की आपको अनुकंपा रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब जो अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको रोजाना इसी तरह के अपडेट आप तक पहुंच सके। मित्रों, जो अनुकंपा वाले हैं तो उसे ये वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद मित्रों।